आज पूरे देश में मोबाइल नेटवर्क इस तरह से फैल चुका है कि लोग पुराने फ़ोन को तो जैसे भूल ही गए हैं। इसके अलावा देश भर में मोबाइल यूज करने वाले ज़्यादातर कस्टमर्स प्रीपेड सिम कार्ड ही यूज़ करते हैं। वैसे अब तक तो यही देखा जाता था कि लोग जुगाड़ करके प्रीपेड सिम बाज़ार से खरीद लेते थे, या फिर ये भी देखा जाता था कि लोग बाज़ार में रिटेलर के पास जाकर अपना सिम कार्ड रिचार्ज करवा लेते थे। मगर अब लगता है कि ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, दरअसल ऐसा बताया जा रहा है कि पीएम मोदी जल्द ही एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी सरकार इस तरह के प्लान पर काम कर रही है जिसके तहत अगले एक साल में सभी तरह के प्रीपेड सिम कार्ड रखने वालों को अपनी पहचान साबित करनी होगी। इसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि पहचान साबित करने के बाद ही सिम कार्ड को रिचार्ज करने की इजाज़त मिलेगी। आपको बता दें कि भारत सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी है। गौरतलब है कि अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश JS खेहर की अगुवाई वाली बेंच से ये कहा है कि सरकार आधार से जुड़े KYC जैसे प्रोडक्ट को लेकर जल्दबाजी से नहीं बल्कि सोच समझकर ही कदम उठा रही है। इसके अलावा उन्होंने चीफ जस्टिस को भी ये बताया है कि इसके लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में भी पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोबाइल के जरिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। वैसे रोहतगी ने बताया कि अगर ट्राई के आंकड़ों पर गौर करें तो 95% से भी ज़्यादा लोग प्रीपेड सिम का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि पोस्टपेड इस्तेमाल करने वालों की संख्या बेहद कम है। साथ ही यह भी बताया कि इस समय 1 लाख से ज़्यादा काउंटरों पर प्रीपेड सिम कार्ड ही बेचे जाते हैं। इसलिए रोहतगी ने कहा कि अगर इस नियम को सख्त तरीके से जल्दी ही लागू कर दिया जाए तो लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस निर्णय से बैंकिंग और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी प्रभावित हो सकते हैं। वैसे रोहतगी ने यह दावा किया है कि भारत में अब तक करीब 110 करोड़ लोग आधार कार्ड बनवा चुके हैं। ऐसे में रोहतगी के बयान से ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में प्रीपेड सिम कस्टमर के लिए आधार कार्ड बेहद ज़रूरी होगा। इसके अलावा कोर्ट में रोहतगी ने बताया कि भारत सरकार सभी मोबाइल फ़ोन कस्टमर्स के लिए आधार से जुड़े KYC की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में वक्त लगेगा और ये फैसला रातों रात नहीं लिया जा सकता। ऐसे में कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में प्रीपेड सिम कार्ड के कस्टमर्स के लिए नियम और भी सख्त हो जाएंगे। इसके अनुसार जो नियम पोस्टपेड सिम कार्ड रखने वालों पर लागू है वही अब प्रीपेड वालों पर भी लागू होंगे। दरअसल सरकार का मानना है कि इस तरह ऑनलाइन होने वाले अपराधों पर भी रोक लग जाएगी। अब देखना यह है कि पीएम मोदी का ये फॉर्मूला लोगों को कितना पसंद आता है।